सलामुन अलैकुम, आप सब पर सलामती हो। लेट्स सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स आवर बॉडीज एंड माइंड, लेट्स फोकस इनसाइड। जिंदगी में बहुत मर्तबा आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में जो डिसीजंस और बहुत ही अहम डिसीजंस लेने से पहले अपने करीबी लोगों से मशवरा करते हैं। अक्सर हम ये पूछते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है। ये वो फ़ैसले होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की सारी ट्रिजेक्टरी, हर चीज़ बदल कर रख सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की मंजिल, डेस्टिनी को बदल सकते हैं। मगर उनका फ़ैसला लेने से पहले हम लोगों से मशवरा करते हैं और कई मर्तबा तो उनके मशवरे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसले कर भी लेते हैं, चाहे वो काम के हवाले से हो, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स के हवाले से हो, हमारी सेहत के हवाले से हो। हम बहुत आसानी से लोगों के एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले ले लेते हैं। मगर जब भी हम किसी से मशवरा लेते हैं तो हम एक बात भूल जाते हैं कि उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में डिफरेंट होगी, जबकि हमारी कैपेसिटी और एबिलिटी उसी फ़ैसले को लेने और इम्प्लीमेंट करने में मुख्तलिफ होगी। लोगों को मशवरा देना आसान है, जबकि उसके ऊपर अमल करना बहुत कठिन हो जाता है। और दूसरी अहम चीज़ ये होती है कि जब हम कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो उस फ़ैसले को करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या हम में कैपेसिटी है कि हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर सकें, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। क्योंकि जब फ़ैसला आपने किया किसी के मशवरे के मुताबिक तो कॉन्सिक्वेंसेस हम खुद ही फेस करेंगे। जब हम लोगों से पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेशक उनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर होंगी, बेशक वो हमारी ज़िंदगी में बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन चाहते होंगे, बट ओनली वन डिफरेंस दैट दे विल गिव द एडवाइस थ्रू देयर कैपेसिटी, जबकि इम्प्लीमेंटेशन हमें खुद करनी है। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले दूसरों से पूछने की बजाय अपने आप से पूछे। लेट्स फोकस इनसाइड। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, आप लोगों से मशवरा ले सकते हैं, लेकिन उस फैसले को करने से पहले अपने आप से सवाल ज़रूर कीजिए। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने ज़हन में रखते हुए ज़रूर सवाल कीजिए कि क्या आप इस फैसले को करने के बाद
इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर पाएंगे? क्या आप उनको फेस करने के लिए तैयार हैं? आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं अपने तमाम फैसले लेने से पहले अपने अल्लाह से कनेक्ट करके अपने रब ताला की बारगाह में बैठ के उससे सवाल करती हूँ, या अल्लाह तू सब जानने वाला है, तू जानता है कि मेरे हक में क्या बेहतर है, तू जानता है कौन सा फैसला मेरे आने वाले वक्त में आसानियों का बायस होगा और कौन सा फैसला आने वाले वक्त में मुश्किलात लेकर आ सकता है। मैं तेरी मौजूदगी के एहसास में तमाम तर पॉजिटिविटी के साथ, नेक नियति के साथ, मुखलिसी के साथ तेरी बारगाह में हूँ। मैंने अपने प्यारों से, अपने चाहने वालों से मशवरा ले लिया, उन्होंने मशवरा दिया भी, मगर मैं अपना हर फैसला तेरे सपुर्द करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी का हर स्टेप तेरी मौजूदगी के एहसास में उठाना चाहती हूँ। जो मेरे हक में बेहतर है तो उसमें आसानियां कर दे, और तू मुझे हिम्मत अता कर कि जो भी फैसला मैं जिंदगी में लूं उसमें बरकत पड़े, खैर व आफियत हो। बेशक तू आसानियां देने वाला है, बेशक हमारे तमाम मामलात में तेरी मौजूदगी का एहसास उसमें रहमतें, बरकतें और आसानियों का सबब होता है। मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं जो भी फैसला करूं उसमें जो भी उसके रिजल्ट्स निकले, नतायज निकले, मैं उनको फेस कर सकूं, उनको सह सकूं और बेहतरीन तरीके से उस लिए हुए फैसले को निभा सकूं। तेरा साथ मेरे साथ है तो सब आसान है। या अल्लाह, मुझे हमेशा हर फैसले में तू अपनी मौजूदगी के एहसास में रहने की तौफीक अता फरमा।
Have a great day. Take decisions with confidence and in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala.